डियर स्टूडेंट्स, शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज। आज हम अपना 8th लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। डिफाइंड सेल्स, हमारी जो टर्मिनोलॉजीज में सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने आपको बताया था सेल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस, ये दो बिजनेस ऐसे हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो वो उनकी आमदनी होती है। When goods are sold, it's recorded as sales. Simple definition है, जब अशिया को फरोख्त किया जाता है वो कारोबार में सेल्स के नाम से दर्ज होती हैं। सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था हमने इनिशियल लेवल पर डिस्कशन करनी है। अब स्टूडेंट्स, सेल तो आपने कर दी है, आपने कारोबार में माल को फरोख्त कर दिया है, लेकिन माल को फरोख्त करते हैं दो तरीकों से हम, टाइप्स ऑफ सेल्स। पहली जो टाइप है वो है स्टूडेंट्स कैश सेल्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश बेसिस। स्टूडेंट्स, आपने माल फरोख्त किया और उसी टाइम पैसे को वसूल किया तो वो आपका कैश सेल्स होगा। क्रेडिट सेल्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट बेसिस कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। स्टूडेंट ये देखें, वर्ड क्रेडिट, जब भी आप उधार पर कोई चीज़ बेचते हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। आपने गुड्स को बेचा और आपने बाद में पैसा वसूल करना है तो वो आपका कौन सा सेल्स होगा, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था सेल्स को, अब हम डिस्कस करेंगे परचेजेस को। कारोबार में हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस ऑफ रीसेलिंग, वो तमाम चीज़ें जिनको हम दोबारा बेचने के मकसद से ख़रीदते हैं वो कारोबार में परचेजेस के नाम से दर्ज होती हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग रिकॉर्डेड एज परचेजेस। स्टूडेंट, आपने फर्नीचर ख़रीदा, आपका बिजनेस है फर्नीचर सेल करने का, जब भी आप फर्नीचर खरीदेंगे वो आपका परचेजेस होगा। अगर आपने फर्नीचर को ऑफिस के लिए लिया है तब वो परचेज नहीं कहलाएगा, तब वो एसेट्स कहलाएगा। अगर कोई भी चीज़ आप दोबारा बेचने के मकसद से ख़रीदते हैं वो परचेज है। टाइप्स ऑफ परचेजेस, कैश परचेजेस। स्टूडेंट, जैसे सेल्स की दो टाइप्स थी ऐसे ही परचेजेस की, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड फॉर द कैश बेसिस कॉल्ड कैश परचेजेस। आपने गुड्स को ख़रीदा कैश बेसिस पर, फौरन आपने पैसे अदा कर दिए तो वो कैश परचेजेस है। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस। स्टूडेंट्स, आपने ख़रीदा माल और आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने पैसे इन फ्यूचर देने हैं तो वो आपकी कौन सी परचेज होगी, क्रेडिट परचेजेस। स्टूडेंट्स, ये थी दो टाइप्स परचेजेस की, एक कैश एक क्रेडिट। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू।